वेलकम टू COMPUHELP इंग्लिश क्लासेस। माय नेम इज नवनीत। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था नरेशन वाली, कि जिसमें हमने एक सेंटेंस बनाया था जिसमें हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच था उसका जो सब्जेक्ट था वो फर्स्ट पर्सन था। आज हम करेंगे कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर वो सेकेंड पर्सन है तो हम क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक सपोज, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ही सेज टू मी कमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू आर अ गुड प्लेयर, यू आर ए गुड प्लेयर। अब अगर यहां पे ध्यान दें तो ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, दिस वन इज रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर आपने जैसे ये यू है, यहां पे जो सब्जेक्ट है वो यहां पे सेकंड पर्सन है, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। तो इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यहां पे मी है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये इसका सब्जेक्ट है और यहां इसका ऑब्जेक्ट है। तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो यहां पे सेकंड पर्सन है, सो ये कन्वर्ट होगा इसमें, ये कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रिपोर्टिंग सेंटेंस। दूसरी बात, अगर जैसे हमारे पास कोई जैसे जो रिपोर्टिंग सेंटेंस है उसमें सिर्फ इतना ही दिया गया, जैसे ही सेज, सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो उसके लिए तो हम ही सेज दैट लगा देते हैं। अगर वहां पे जैसे दिया गया है, जैसे ही सेज टू मी, अगर यहां पे ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम फिर सेज की जगह पे वहां पे टेल्स आ जाएगा, सो ही टेल्स, फिर ये ऑब्जेक्ट आएगा, ही टेल्स मी, फिर दैट आएगा। सो लाइक दिस हियर ऑल्सो दैट इन दिस केस, सो ही सेज टू मी यू आर अ गुड प्लेयर। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा जैसे ही टेल्स मी, He tells me that you will convert it into this object that is me, I. He tells me that I am a good player. He tells me that I am a good player. After that, next हमारे पास आएगा, अगर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो सेंटेंस है, उसका जो सब्जेक्ट है अगर वो थर्ड पर्सन है, सपोज इसी का ही हम बनाते हैं, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ही इज अ गुड प्लेयर, क्लोज। सो अगर आप यहां पे ध्यान दें तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो सब्जेक्ट है वो यहां पे थर्ड पर्सन है। तो अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो इस रूल में दिया गया है, इफ अगर वो वहां पे जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का वो थर्ड पर्सन होता है तो वो चेंज होता है हमारा, दैट इज देयर इज नो चेंज। यहां पे देखें आप, इसका मतलब वो सब्जेक्ट जो जैसा जिस है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। So, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ही सेज, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही सेज ही आएगा, टेल्स नहीं आएगा, ही सेज दैट ही का ही रहेगा, ही इज अ गुड प्लेयर। ये सो दिस, अगर हम ये हमने सारे कर लिए, अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो कैसे बनाना है, अगर वो सेकंड पर्सन है तो कैसे बनाना है, और अगर वो थर्ड पर्सन है तो कैसे बनाएंगे। सो ये हमारा है एक फर्स्ट, यू कैन से दिस इज अबाउट दी हाउ टू कन्वर्ट दी सब्जेक्ट ऑफ दी रिपोर्टेड स्पीच।
हमें एक बात का ध्यान और देना है यहाँ पे, जैसे सपोज अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ही सेज, ये सेज जो है यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, हमने टेंसेस सीखे हुए हैं तो टेंसेज में ये एस और ईएस लग रहा है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब जो आपका जो ये रिपोर्टिंग वाली वर्ब है यहाँ पे जो वर्ब लग रही है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली है। अगर मैं यहां लिखूंगा आई से या यू से तो वहां पे वो एस हट जाएगा। तो इफ अगर हमारा जो ये रिपोर्टिंग वाली वर्ब है अगर ये किसी भी टेंस में होती है, जैसे सपोज ये अगर होती है किसी भी प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, फॉर एग्जांपल जैसे ही सेज है, अगर ये ही सेज होता है फिर अगर वो जैसे ही इज सेइंग हो सकता है, ही हैज सेड हो सकता है, He has been saying हो सकता है। और इसके बाद जैसे he will say हो सकता है, he will be saying हो सकता है, He will have said हो सकता है, He will have been saying हो सकता है। ये He will say, He will be saying, He will have said, He will have been saying, ये सब हो सकता है। So तब हमारा जो ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है इसका जो टेंस है वो सेम ही रहता है। अगर आप ध्यान दें तो हमने सिर्फ यहां पे सब्जेक्ट चेंज होने की बात की है, बट हमने इसका जो टेंस है वो एज इज रखा है। जैसे अगर हम बनाएंगे तो यहां पे जैसे मैंने कोई अगर बनाऊं अभी तक जो जैसे हमने बनाया, जैसे मैं लिखूं जैसे ही सेज comma inverted comma start I am playing football, उसका मतलब जैसे he says that he is playing फुटबॉल, ऐसा आएगा। He says that he is playing football. In this case, यहाँ पे देखिए हमने सब्जेक्ट तो चेंज किया रिपोर्टेड स्पीच का, बट हमने उसका जो टेंस था टेंस वो चेंज नहीं किया। सो अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो इनमें से कोई भी अगर होती है, किसी भी टेंस में होती है इनमें से, प्रेजेंट में, प्रेजेंट जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, जैसे फ्यूचर इंडेफिनेट में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है। पर अगर आपकी जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है अगर वो किसी पास्ट टेंस में होती है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense, if the reporting verb is in past tense, अगर आपकी जो reporting verb है वो किसी past tense में होती है तो वहां पे जो हमारी reported speech है उस के सब्जेक्ट में तो चेंज आता ही है पर उसके टेंस में भी चेंज आता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल के लिए आपको यहां पे बताता हूं, जैसे ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, ही सेड मीन दिस इज पास्ट, ही सेड आई एम
playing football. तो इसका मैंने जब convert किया तो मैंने he said that he, अब यहाँ पे he क्योंकि वो हमारा जो reported speech का subject है वो first person है तो इसको हमने convert कर दिया जो reporting verb वाला जो subject था जैसे he, so इसमें हम बोल देंगे he said that he was playing football. He said that he was playing football. He said that he was playing football. कि वो football खेल रहा था. So because हमने यहाँ पे अब ध्यान दें तो यहाँ पे हमने इसके जो tense है उसको भी बदल दिया है. इसका जो टेंस है हमने उसको भी बदल दिया है. सो नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास हमने ये सीखा कि अगर हमारी जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में होती है तो वो चेंजेस आते हैं. सो इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब अगर इनमें से कोई होती है जैसे ही सेड ही was saying, he had said, and he had been saying. So, ये है. So, तब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें चेंजेस आते हैं. अब उसमें क्या चेंजेस आते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारा यहां पे हम लिखते हैं जैसे दिस इज डायरेक्ट स्पीच एंड दिस इज indirect speech. अगर reporting verb हमारी past tense में होती है तो ये following changes आते हैं. जैसे direct से indirect में जब हमने बदलना है उसे तो changes क्या आते हैं. अगर हमारी reported speech में जो उसका tense है अगर वो present definite tense है तो वो past indefinite tense में change होता है. अगर वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है. अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है. अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है. अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारी डायरेक्ट स्पीच में तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है. और वहां पे अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है. और अगर वो पास्ट परफेक्ट टेंस में तो उसका पास्ट परफेक्ट ही रहता है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है. विल शैल अगर आता है तो वो वुड में बदल जाता है जैसे पूरी की पूरी फ्यूचर जैसे आई विल बी सेइंग आई विल हैव. अगर वहां पे कैन आता है तो वो कुड में बदल जाता है और अगर वहां पे मे आता है तो वो माइट में कन्वर्ट हो जाता है. एक बार फिर से देखें अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस में आती है किसी भी जैसे ही सेड ही हैड बीन सेइंग या ही वाज सेइंग इनमें से किसी में भी अगर आती है जैसे ही सेड ही वाज सेइंग ही हैड सेड ही हैड बीन सेइंग तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी बदलता है. तो उसमें जो चेंजेस आते हैं वो ये है. अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारा जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है. जो रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है यहां पे रिपोर्टेड स्पीच टेंस.
ठीक है। सो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है वो पास्ट इनडेफिनेट टेंस में चेंज होता है। अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है। अगर वो पास्ट इनडेफिनेट टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है। अगर वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो वो पास्ट का पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। अगर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलता है। अगर वहां पे विल शैल है तो वो वुड में कन्वर्ट होता है। अगर वहां पे कैन है तो वो कुड में कन्वर्ट होता है। अगर वहां पे मे है तो वो माइट में कन्वर्ट होता है। ये सारे जो चेंजेस हैं, अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस हैं ये इसमें कन्वर्ट होते हैं इन टेंसेस में। थैंक यू वेरी मच।